हेलो दोस्त, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बना रही हूँ तले हुए मोदक। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। अब मैं इस बेसन को धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। देखिए मेरा बेसन अच्छे से सिक गया है। इसमें 2 बड़ा चम्मच घी ऐड करूँगी और इसे ही मैं अच्छे से मिलाते हुए बेसन को अच्छी तरह से और सेंक लूँगी। ये देखिए मेरा बेसन सिक के तैयार है। अब मैं इसमें 2 कटोरी पिसी हुई शक्कर मिला दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पर नारियल बूरा लिया हुआ है, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं 1 चुटकी इलायची भी डाल दूँगी और मैं इसमें काजू बादाम किशमिश भी डाल दूँगी। सबको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क कर भुरभुरा सा हलवा तैयार कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का फूड कलर ऐड कर दूँगी। ये देखिए मेरे मोदक का मिश्रण बनके तैयार है। अब मैं मोदक के कवर के लिए 1/2 किलो मैदा ले लूँगी। मोन के लिए मैं इसमें 3 चम्मच तेल डाल लूँगी और 1/4 चुटकी नमक डाल लूँगी और अच्छे से इसे मिलाकर पानी की सहायता से कड़क आटा और सन के तैयार कर लूँगी। ये देखिए मेरा आटा उसन के तैयार है। अब मैं इसकी छोटी छोटी सी पूड़ी बनाऊंगी। मेरी पूड़ी की मोटाई कुछ इस तरह रहेगी। अब मैं मोदक की फिलिंग के छोटे छोटे लड्डू बना लूंगी और इस पूड़ी के अंदर भर दूंगी और मोदक का शेप दे दूंगी। मैं पूड़ी के आसपास पानी लगा लूँगी जिससे मेरे मोदक फटे ना। ये देखिए मेरा मोदक बनके तैयार है। इसी तरह हम सभी मोदक तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और हल्की आंच पे सभी को एक एक करके डाल देंगे। हल्का गोल्डन होने तक फिर इन्हें पलट देंगे। ये देखिए मेरे मोदक बनके तैयार हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तले हुए मोदक बनके तैयार हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।